पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण का विरोध करने पर भाजपाइयों ने पूर्व सीएम हरदा की बुद्धि शुद्धि के लिए इच्छा में किया यज्ञ। विधायक राजेश शुक्ला व भाजपा ने हरदा और कांग्रेसियों को बताया विकास विरोधी। किच्छा पूर्व सीएम हरीश रावत के पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण का विरोध करने पर भाजपा ने आज उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया। विधायक राजेश शुक्ला की मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रावत समेत पूरी कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। नगर के टैक्सी स्टैंड पर आयोजित हवन यज्ञ में विधायक राजेश शुक्ला व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विवेक राय समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने आहुति देकर पूर्व सीएम हरीश रावत व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बुद्धि को सही रखने की कामना ईश्वर से की। विधायक शुक्ला ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र का विकास होगा। पंतनगर किच्छा व इसके आसपास के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पंतनगर की विश्व पटल पर बनी पहचान और अधिक बढ़ेगी, लेकिन यह बात कांग्रेसियों की समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि इसका कारण साफ है कि कांग्रेसी विकास विरोधी है और उनके सरपरस्त पूर्व सीएम हरीश रावत, जिन्हें किच्छा की जनता ने उनके झूठे वादों के लिए नकार दिया था, वो खुद किच्छा में अपने द्वारा की गई 21 घोषणाओं को पूरा नहीं करा पाए थे। वहीं आज किच्छा विधानसभा में विकास की गति को बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। 1100 एकड़ की जमीन में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो उत्तराखंड का पहला होगा और देश का 28वां होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने जमीन का प्रावधान भी किया और पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपये दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग अपने आदत के अनुसार हमारे हर विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। तमाम बयानबाजी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे हरीश रावत जी, जो यहीं से चुनाव लड़े थे विधायक का भी और लोकसभा का भी, उन्होंने खुले में खुला बयान दिया कि हाँ नहीं बनना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। खुद ही नहीं, उन्होंने अपने साले जो उनके उपनेता विधायक दल हैं उनसे भी विरोध करवाया करण महाराज से, और उनके पदाधिकारी ने खुले बोले कि नहीं होना चाहिए। केवल हवाई अड्डा नहीं, हर विकास कार्य में वो बाहर डाल रहे हैं। तो आज चूँकि ये किच्छा आज अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, किच्छा अपने विकास की नई इबारत लिख रहा है, किच्छा आज अपना मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहा है, किच्छा मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, किच्छा हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहा है, किच्छा अपने तमाम उन चीज़ों से वंचित रहा है, मुंसिफ कोर्ट, SDM कोर्ट, बस अड्डा, उस सब चीज़ें ला रहा है। तो आज जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे भूत प्रेतों को, क्योंकि वो जीवित नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन वो भूत प्रेत हो चुके हैं राजनीति में, ऐसे भूत प्रेत इसे विघ्न अंडा डालें। इसलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज एक हवन यज्ञ किया है और इसके माध्यम से हमने उन लोगों की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की है, उनकी बुद्धि शुद्ध रहे और वो हमें विकास कर सकें।